राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण चंद्र के जीवन से जुड़े एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसे आज तक अधिकतम कृष्ण भक्त भी ठीक से नहीं जानते होंगे। आखिर क्यों श्री कृष्ण के वैकुंठ लौटने से पहले द्वारका आई थी श्री कृष्ण की गोपियाँ, और फिर ऐसा क्या हुआ कि आज तक द्वारिका की मिट्टी से आती है ये रहस्यमय सुगंध। जानेंगे पूरा रहस्य आज की वीडियो में। दोस्तों, आपने गोपी चंदन के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसका प्रयोग वैष्णवों के द्वारा तिलक लगाने में और श्री कृष्ण से जुड़ी विभिन्न प्रकार की पूजाओं में किया जाता है। पर बेहद कम लोग जानते हैं कि आज वो जिस गोपी चंदन का तिलक लगा रहे हैं वो कोई साधारण चंदन नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के गोपियों के चरणों की मिट्टी है। ये गोपी चंदन द्वारका के गोपी तालाब से आता है, जो आज से 5000 साल पहले द्वारका में गोपियों और श्री कृष्ण में हुई अद्भुत भेंट की गवाही देता है। इस गोपी चंदन के पीछे ये मान्यता है कि श्री कृष्ण के वैकुंठ लौटने से पूर्व एक बार ब्रज की सभी गोपियाँ कुरुक्षेत्र, सिद्धाश्रम, द्वारका आदि के तीर्थ पर गईं थी। वहीं उनकी भेंट द्वारकाधीश श्री कृष्ण से हुई। तब गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ दिव्य रास भी किया था। द्वारका क्षेत्र में होने वाले ऐसे ही रास का वर्णन गर्ग संहिता में भी आता है। रास के पश्चात श्री कृष्ण सभी गोपियों को पास के तालाब पर स्नान और जल क्रीड़ा के लिए लेकर गए थे। तब उस तालाब में श्री कृष्ण के साथ जल क्रीड़ा और स्नान करती हुई गोपियों का सारा सुगंधित श्रृंगार, इत्र, चंदन और गोपियों व श्री कृष्ण के चरणों में रास के वक्त लगी मिट्टी आदि उसी पानी में घुल गया और समय के साथ इस तालाब की मिट्टी के साथ मिल गया। इसी तालाब को आज हम गोपी तालाब के नाम से जानते हैं, और यही मिट्टी गोपी चंदन के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुई, जिसे आज सभी वैष्णव मस्तक पर लगाते हैं। आज भी द्वारका के गोपी तालाब की इस दिव्य मिट्टी यानी गोपी चंदन में से इसी कारण एक बेहद अद्भुत और पवित्र सुगंध आती है। ये पवित्र सुगंध असलियत में गोपियों के श्रृंगार, उनकी भक्ति और श्री कृष्ण के प्रेम की होती है। गोपी चंदन से जुड़ी दूसरी मान्यता ये है कि एक बार जब श्री कृष्ण के सर में बेहद दर्द होने लगा, तब नारद मुनि के कहने पर सभी गोपियों ने और श्रीमती राधा रानी ने अपने चरणों की रज यानी मिट्टी श्री कृष्ण को उनके मस्तक पर लगाने के लिए दी थी, और इसी पवित्र रज से गोपी तालाब बना, और उसी गोपी तालाब के निकट से आज गोपी चंदन प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, वास्तव में दिव्य गोपी चंदन की महिमाएं असीम है। ये श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है, इसलिए आज से ही इसकी महत्ता को समझते हुए इसे अपने मस्तक पर धारण करना शुरू करें। अगर आप कुछ रोचक तथ्य जानकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमसे इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ें। हमारा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे एक और नई रोचक वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।